नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी सांगला, जो पंच पीरों में भी शामिल है। राजस्थान के पंच पीर कौन है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहाय पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहाद। इनके अलावा पंच पीरों की एक प्रसिद्ध ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या है? गोपा राम है। वो ट्रिक क्या है? गोपा राम है। गो से क्या हो जाएगा? गो से हो जाएगा गोगा जी। गो से हो जाएगा गोगा जी चौहान। गो से हो जाएगा गोगा जी चौहान। पास से हो जाएगा पाबू जी। पास से हो जाएगा पाबू जी राठौड़। रात से हो जाएगा रामदेव जी। मेष से हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। और हैस से हो जाएगा हड़बू जी सांकला। यानी कि राजस्थान की पंचपीर है, उनकी ट्रिक क्या है? गोपा राम है। क्या है? गोपा राम है। गो से क्या हुआ? गोगा जी चौहान। पास से हुआ पाबू जी राठौड़। और रा से हुआ रामदेव जी। और मे से हो गया मेहा जी मांगलिया। और हे से हो गया हड़बू जी सांगला। हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया, पाबू जी के बारे में पढ़ लिया और रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हड़बू जी सांगला के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे? हड़बू जी सांगला के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हड़बू जी सांगला का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हड़बू जी सांगला का जन्म हुआ था बुंडेल। बुंडेल यानी हड़बू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल। और बुंडेल कहाँ है? नागौर में। हड़बू जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? हड़बू जी महाराज का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। और इनके गुरु का नाम था, गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और इनका वाहन वाहन था सिहार। वाहन था सिहार। वाहन क्या था? सिहार। ये किनके समकालीन थे? ये समकालीन किसके थे? समकालीन ये समकालीन थे राव जोधा के। राव जोधा के। आपको पता है कि राव जोधा का जो शासनकाल था, जो 1438 से लेकर 1499 तक रहा था। हम सबसे पहले बात करेंगे हड़बू जी सांकला का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर में। इनके पिता का क्या नाम था? मेहाजी सांकला। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। और आपको पता है रामदेव जी के गुरु का भी क्या नाम था? योगी बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का भी नाम योगी बालीनाथ और हड़बू जी के गुरु का नाम भी योगी बालीनाथ। यानी कि हड़बू जी है जो रामदेव जी की आज्ञा से, रामदेव जी की आज्ञा से योगी बालीनाथ को अपना गुरु बनाते हैं। हड़बू जी और रामदेव जी के बीच में क्या रिश्ता था? ये दोनों मौसेरे भाई थे। रामदेव जी ने अपनी 24 वाणियों में, रामदेव जी ने अपनी 24 वाणियों में हड़बू जी का भी जिक्र किया था। कहा था हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर रिजो गांव बेंगटी माही दूजी देह मारी जानो हाँ मोसी जाया भाई। यानी कि रामदेव जी ने हड़बू जी महाराज की, हड़बू जी महाराज के बारे में
अपनी 24 वाणियों में इनका भी जिक्र किया था। फिर हम बात करेंगे इनके वान, वान क्या था सियार। राजस्थान के सभी लोग देवी यानी कि राजस्थान के जितने भी लोग देवता हैं उनका वान या तो घोड़ा था या घोड़ियां थी, लेकिन हड़बूजी सागला थे इनका वान क्या था, इनका वान था सियार। ये किनके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन है, यानी कि इनकी जन्म की डेट है जो फिक्स नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किनके समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा का शासनकाल रहा था 1438 से लेकर 1499 तक राव जोधा का शासनकाल रहा था। राव जोधा वही राव जोधा है जिसने जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण इसने कब करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किनके हाथों में रखी गई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है जो करणी माता के हाथों से रखवाई गई थी। करणी माता के बचपन का नाम क्या था, करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, क्या था, रिद्धिबाई था। राव जोधा को हड़बूजी एक कटार क्या देते हैं, एक कटार और एक घोड़ा। हड़बूजी महाराज राव जोधा को एक कटार एक घोड़ा और आशीर्वाद देते हैं अपने, यानी कि आशीर्वाद देते हैं ताकि राव जोधा अपने राज्य का विस्तार कर सके। राव जोधा उसी कटार और घोड़ा और हड़बूजी के आशीर्वाद से, हड़बूजी के आशीर्वाद से अपने राज्य का विस्तार करता है और विस्तार करने के बाद में बहुत पसंद होकर हड़बूजी को एक गांव जागीर में देता है। वो कौन सा गांव है, वो गांव है बेंगटी। बेंगटी बेंगटी कहाँ है, फलोदी जोधपुर में, कहाँ है, फलोदी जोधपुर में। यानी कि हड़बूजी को बेंगटी गांव किसने जागीरी में दिया, वो दिया था राव जोधा ने। राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वो हड़बूजी के आशीर्वाद से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राव जोधा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, हड़बूजी के यहाँ राव जोधा ने अपना अंतिम समय बिताया था। हड़बूजी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, हड़बूजी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने जब समाधि ली तो रामदेव जी ने सपने में आकर रामदेव जी हड़बूजी को कुछ रत्न कटोरा और एक चिट्ठिया है जो भेंट में देते हैं। और रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद, कितने दिन, 8 दिन बाद हड़बूजी समाधि लेते हैं। कौन लेते हैं, हड़बूजी समाधि लेते हैं। और रामदेव जी से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी, रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि के 8 दिन बाद किसने समाधि ली थी, वो ली थी आपके हड़बूजी ने। हड़बूजी महाराज हैं, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर का महाराजा था अजीत सिंह ने। कब करवाया, वो करवाया था 1721 में। हड़बूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने, कब करवाया, 1721 में। यानी कि हड़बूजी के मंदिर में कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो किसकी पूजा की जाती है, हड़बूजी के मंदिर में उस गाड़ी की पूजा की जाती है जिस गाड़ी से हड़बूजी महाराज पंगू गायों के लिए, पंगू गायों का मतलब वो गायें जो चलने फिरने में असमर्थ थी, उनके लिए जिस बैलगाड़ी से वो चारा लाया करते थे उसी गाड़ी की हड़बूजी को, यानी उसी गाड़ी की हड़बूजी के यहाँ पूजा होती है। किसकी, उस बैलगाड़ी की, उस गाड़ी की पूजा होती है, उस गाड़ी की पूजा होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ था, बुंदेल नागौर में। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला।
मेहा जी सांगला, इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ, इनका वाहन किया था सियार, और इन ये किनके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा ने कौन सा गांव हड़बू जी को जागीरी में दिया था? वो बेंगटी गांव दिया था। बेंगटी कहाँ पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने 1721 में। यानी कि इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? इनके पुजारी होते हैं सांखला जाति के राजपूत, सांखला राजपूत। इनके पुजारी कौन होते हैं? सांखला राजपूत। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और हड़बू जी क्या देते हैं? एक कटार और एक घोड़ा। रामदेव जी की समाधि के कितने दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी? 8 दिन के बाद। किनकी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किनकी आज्ञा से हड़बू जी ने अपना गुरु बालीनाथ को बनाया, यानी रामदेव जी की आज्ञा से अपना गुरु बालीनाथ को बनाया? क्योंकि हड़बू जी और रामदेव जी के बीच में कौन सा रिश्ता था? ये मौसेरे भाई थे। क्योंकि हड़बू जी महाराज का जिक्र रामदेव जी ने अपनी 24 वाणियों में भी किया था।